सब्सक्राइब कीजिए आयोडा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोडा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12 फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं नए टॉपिक की। तो चलिए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस के बारे में। तो लेंस हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं लेंस को, हमारे दो टाइप के लेंस होंगे, एक होगा कन्वेक्स लेंस एक होगा कनकेव लेंस। तो लेंस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लेंस क्या करता है, दो मीडियम को सेपरेट करता है। सपोज यहाँ पे म्यू वन है और अंदर म्यू टू है तो ये आपका क्या हो गया, एक लेंस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा हूँ अंदर मीडियम म्यू टू और सराउंडिंग में मीडियम क्या है, म्यू वन। तो यहाँ पे बोला गया है लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसे आपने दो सर्फेस से बाउंड किया है जिसमें लिखा है ऑफ विच एटलीस्ट वन ऑफ बोथ द सर्फेसेस आर स्पेरिकल। कम से कम एक सर्फेस या दोनों सर्फेस ही क्या हो सकते हैं आपके, स्पेरिकल हो सकते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, लेंस करके कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हम जिसमें भी देखेंगे यहाँ पे अगर दोनों सर्फेस ही मान के चला जाए, अगर स्पेरिकल ना हो, दोनों सर्फेस अगर प्लेन हो जाए तो वो आपका लेंस नहीं, वो आपका ग्लास स्लैब कहलाएगा। हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये हम देखें कि अगर दोनों साइड में आपका क्या हो जाए, अगर प्लेन सर्फेस आ जाए सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया तो वो आपका ग्लास स्लैब होता है जिसमें हम पढ़ चुके हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस जिसमें यहाँ साफ साफ लिखा है एटलीस्ट वन सर्फेस और बोथ द सर्फेसेस कैसे होने चाहिए, आपके स्पेरिकल होने चाहिए, उसको आप क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस, या फिर इसको एक और नाम दे सकता हूँ कन्वर्जिंग लेंस करके। कन्वर्जिंग क्यों अभी देखेंगे, पहले कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को डिफ्रेंशिएट करना देखते हैं। यहाँ बोला है थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट एंड। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे ये सभी जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, क्यों, क्योंकि इसके जो बीच वाला पोर्शन है वो इसके एंड पोर्शन से थिक दिख रहा है। यहाँ पे बीच पोर्शन एंड पोर्शन से थिक दिख रहा है, ये भी बीच पोर्शन एंड पोर्शन से थिक दिख रहा है, यहाँ पे भी बीच वाला पोर्शन एंड पोर्शन से थिक दिख रहा है। तो थिकर एट सेंटर, जो बीच वाला सरफेस अगर थिकर हो जाए कंपेयर टू एंड पोर्शन वो आपका कन्वेक्स लेंस होता है। कनकेव लेंस उल्टा, थिनर एट सेंटर, सेंटर पे थिन और थिकर एट एंड, थिनर एट सेंटर थिकर एट एंड, बीच में पतला होना चाहिए और एंड्स में आपका क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो ये आपका कनकेव लेंस। अब यहाँ पे ये जो स्पेरिकल सरफेस होगा उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये किसी एक कर्वेचर का ना सेंटर इसका यहाँ लाई कर रहा होगा, तो उसका रेडियस हमने बोल दिया सपोज आर वन, वैसे इसका भी कर्वेचर कंप्लीट करते हैं तो इसका रेडियस आर टू, ठीक है। अगर ये दोनों रेडियस इक्वल भी हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं जैसे एक सरफेस आपने कम से कम एक सरफेस स्पेरिकल होना चाहिए, तो जैसे ये सरफेस अगर स्पेरिकल है और ये सरफेस अगर प्लेन हो जाए तो प्लेन क्या होगा, प्लेन का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो होगा इसका कर्वेचर आप कंप्लीट करने जाएंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, जिस वजह से इसका रेडियस इनफाइनाइट कहलाएगा। और इसका रेडियस आर वन इस डायरेक्शन में और आर टू भी इसी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। आर वन आर टू आप कौन सा लेते हैं, जिस डायरेक्शन में पहले लाइट हिट करे वो आर वन होगा। तो हम मान के चलते हैं कि लाइट लेफ्ट से आती है तो इसलिए ये आर वन लिया, यहाँ पे भी इसको आर वन लेंगे, इसको आर वन लेंगे और यहाँ पे भी इसको आर वन ही लेंगे, ये कन्वेंशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों अगर रेडियस इक्वल नहीं हो, वो लेंस को नोमेनक्लेचर के टाइप में नेमिंग किया जाता है बाय कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाए वो लेंस आपका कहलाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और अगर आपका एक सरफेस प्लेन हो जाए वो लेंस कहलाता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और अगर आपके लेट्स से इस लेंस को नाम देते हैं कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे आता हूँ, अगर ये रेडियस इसका आर वन इस साइड होगा और इसका आर टू
कहीं इस साइड होगा, तो लाइट लेफ्ट साइड करते हुए मान रहे हैं, तो इसलिए R1 इसको माना और R2 हमने इस वाले रेडियस को माना। तो अगर R1 R2 इक्वल नहीं हो तो वो हो गया बाय कनकेव लेंस, ठीक है। ये बाय, इक्विक, प्लेनो, कन्वेक्स हो, ये प्रेफिक्स है और सफिक्स आपका कन्वेक्स लेंस ही, कनकेव लेंस यहाँ लगेगा और यहाँ सफिक्स कन्वेक्स लेंस लगेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इक्वी कनकेव लेंस कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का रेडियस इक्वल, यहाँ पे एक का रेडियस इनफाइनाइट हो गया, ये हो गया प्लेनो कनकेव लेंस। और अगर देखा जाए यहाँ पे इसे हम कह रहे हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस करके, तो ये है नोमेनक्लेचर लेंस का, किसको प्लेनो कनकेव कहना है ये सब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने एक और नाम लिया था कन्वेक्स लेंस को, हमने बोला था कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि अगर ये ना, ये तभी कन्वर्जिंग कहलाएगा जब अंदर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा हो, तभी। अभी हम इसको और इलैबोरेट में डिस्कस करेंगे। अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नहीं है तो कन्वर्जिंग लेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो आपकी कन्वर्ज करेगी एट अ पॉइंट नोन एज फोकस, यहाँ पे भी फोकस होगा, ठीक है। तो उस है ना, इसीलिए क्योंकि इन्फिनिटी से रे आती हुई को वो कन्वर्ज करा रहा है किसी एक पॉइंट पे, इसीलिए कन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होगा तभी। और अगर हम कन्वेक्स लेंस जैसे देखें, कन्वेक्स मिरर की अगर बात करूं तो कन्वेक्स मिरर में हम देख चुके हैं इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो लगेगी कि इस फोकस से डाइवर्ज होते हुए, तो कन्वेक्स मिरर तो आपका डाइवर्जिंग मिरर हो गया, पर कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस कहला रहा है, ठीक है। और यहां देख रहे हैं दोनों के फोकस टुवर्ड्स राइट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लाई कर रहे हैं, इसलिए फोकस तो दोनों का पॉजिटिव होगा पर दोनों का नेचर जो होगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर वो अपोजिट होगा। कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा तो कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा। अब हम कनकेव लेंस के अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर पे बात करें तो इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो लगेगा कि आपका किसी एक पॉइंट से आते हुए दिखेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण ये रे यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी ना, कहीं इस पॉइंट पे जा रही होगी तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इंटरसेक्ट कराने के लिए आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो वो मीट करते हुए दिखाई देगी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम इस कनकेव लेंस का फोकस करते हैं। तो ये हो गया कनकेव लेंस और ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस करके भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर कनकेव मिरर की बात की जाए तो इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो आपकी ना, ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, ये आपके इस पॉइंट से आते हुए दिखाई देगी, इस एफ पॉइंट से, तो कनकेव मिरर को आप कैसे भी बोल सकते हैं नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ये आपके कन्वर्ज हो गई इन्फिनिटी से आती हुई रे एक पॉइंट एफ पे और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के जो फोकस लाई कर रहे हैं वो अपोजिट टू इंसिडेंट रे लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कनकेव मिरर हुआ या कनकेव लेंस हुआ दोनों का फोकस तो नेगेटिव हो जाएगा पर दोनों का नेचर कैसा होगा आपका, एक होगा डाइवर्जिंग लेंस तो एक होगा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। नेचर अपोजिट पर फोकस जो होगा साइन वो सेम रहेगा, ठीक है दोनों का। तो हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस आपका बिहेव करता है कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करता है आपका कनकेव लेंस, एंड कन्वर्जिंग मिरर आपका बिहेव करेगा कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर बिहेव करेगा आपका कन्वेक्स मिरर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेंस पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस एंड मिरर। अभी हमने डिस्कस किया था अगर अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो इन्फिनिटी से आती हुई रेज को ये जो लेंस है ये कन्वर्ज कराएगा एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं फोकस। अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से क्या हुआ ज्यादा तभी ये सिचुएशन आएगा, तो कन्वेक्स लेंस आपका क्या कहलाएगा कन्वर्जिंग लेंस करके भी कहलाएगा। पर अगर मिरर में बात की जाए तो इन्फिनिटी से आती हुई रेज आपको लगेगा कि किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है और वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है फोकस, तो कन्वेक्स मिरर जो होगा वो आपका डाइवर्जिंग मिरर दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे लगेगा कि इन्फिनिटी से जो आती हुई रे ना वो आपकी किसी एक पॉइंट एफ से ना
डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को आप नाम क्या देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और दोनों के फोकस, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के फोकस आपके टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लाई कर रहे हैं, तो दोनों के फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को हम नाम क्या दे रहे हैं, फोकस। सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये इन्फिनिटी से आती हुई रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा जा रहा है, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस कहा जा रहा है। व्हाइल इन कन्वेक्स मिरर इट डाइवर्जेस ऑल द लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर आपका क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आती हुई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपको लगेगा कि किसी एक पॉइंट F फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। कॉनकेव लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर देखते हैं। तो बोला है, एस कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो लगेगा कि इस पॉइंट से क्या हो रही है, आपकी डाइवर्ज होते हुए दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे तो वो मीट करेगी नहीं। उसको मीट कराने के लिए आप जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो पॉइंट आपका फोकस निकल के आएगा, जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। फिर लिखा है, व्हाइल इन कॉनकेव मिरर इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से आती हुई रे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, और उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं फोकस। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये कन्वर्ज करा रहा है लाइट रेज को, और ये लाइट रेज को डाइवर्ज करा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये रहा आपका कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर नेचर, ठीक है। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंस। तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल सेंटर, जिसको डिनोट किया जाता है ओ से। तो ऑप्टिकल सेंटर का सिंपल मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस हो या कन्केव लेंस हो आपका, उसमें ऑप्टिकल सेंटर आपका लेंस का मिड पॉइंट की तरह काम करता है, जिसकी तरफ कोई भी इंसिडेंट रे आएगी वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, चाहे आपका कन्वेक्स लेंस हो या फिर आपका कन्केव लेंस हो। दोनों में रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखते हैं, तो ये बोला, इट इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस डायरेक्टेड टू विच इंसिडेंट रेज पास विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ, दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। इसको हम लेंस का सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो हाइट है ना लेंस को डिनोट करेगी, वो एक्सिस जिसे रिफ्रैक्टिव एक्सिस कहेंगे आगे जाके, वो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, जिसको हम लेंस का सेंटर करके भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करेंगे सी से। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे समझा रहे हैं, हम जानते हैं कि लेंस में कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल, या दोनों सरफेस भी स्फेरिकल हो सकते हैं। तो हम अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल मान के चले, जैसे ये रहा, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो ये जो स्फीयर होगा, ये स्फीयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो सेंटर हम अगर, हमने कैसे बोला था, लेफ्ट साइड से आते हुए पहले जिस सरफेस को हिट करेगा वो रेडियस आर वन लेना है। तो ये जिसका, ये जिस कर्वेचर का जो सेंटर होगा उसको सी वन, और बाद में इसे आर टू बोल रहा हूँ, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो सी टू। यहाँ पे दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बात करूँ तो लेफ्ट से अगर ये आ रही है तो ये आर वन हो गया, तो ये जिस कर्वेचर का पार्ट है उस कर्वेचर का जो सेंटर होगा वो सी वन सेंटर हो गया, और ये बाय कॉनकेव लेंस में ये जिस कर्वेचर का सेंटर होगा वो आपका सी टू हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या बोला है, द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच
द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो दो इमेजिनरी स्पेयर्स जिससे ये लेंस मिलके बना है, उन दो स्पेयर्स का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम नाम दे रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और यहाँ बोला है लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर विद रेस्पेक्ट टू टू कर्व सर्फेसेस। ये हमने दिखाया दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है, इसमें C1 आगे C2 पीछे, इसमें C1 पीछे और C2 आपका आगे लाई करेगा। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है तो उनके करेस्पॉन्डिंग दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस स्पेयर के ना यहां से लेके इस C1 तक के डिस्टेंस को R1 कहा जा रहा है और यहां से लेके C2 तक के डिस्टेंस को R2 कहा जा रहा है। और हम जितने भी लेंस पढ़ेंगे वो थिन लेंसेज ही होंगे, तो ये डिस्टेंसेज जो भी मेजर करोगे वो आप O से मेजर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होंगे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका R1 एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका R2। तो यहाँ पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं corresponding to two centers of curvature। वैसे यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो C1 से optical center का distance R1 and C2 से optical center का distance आपका R2। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, the radii of the two imaginary spheres of which the lens is a part। ठीक है, तो हमने अभी देखा था ये जो lens है दो sphere का इंटरसेक्शन से बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं जिन दो स्पेयर से बना है उन स्पेयर का रेडियस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर करके कहलाता है, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अगला बोला है लेंस हैज टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम दिखा रहे हैं R1 और R2 एंड दीज मे और मे नॉट बी इक्वल। अभी हमने टाइप ऑफ लेंसेज में देखा था स्टूडेंट्स, आपका बायकॉन्वेक्स लेंस में तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अनइक्वल होते हैं, और अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्केव लेंस हो जाए तो उस केस में आपके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल भी हो सकते हैं। तो दे मे और मे नॉट बी इक्वल डिपेंडिंग ऑन कैसे लेंस हम ले रहे हैं। तो ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, तो प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली कौन सी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, दैट इज C1 O C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करेगी, उस लाइन को उस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस का जो C1 C2 से पास करेगी और ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करेगी उस लाइन को हम नाम दे रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे बताया गया स्टूडेंट्स, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C1 O C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन और ये पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, इट ऑल्सो पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। प्रिंसिपल फोकस जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल F से, तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में लिखा है देर आर टू प्रिंसिपल फोकस, लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई, ठीक है, दो फोकस होते हैं। अभी जैसे हम मिरर के केस में कहते थे फोकस ऑप्टिकल सेंटर या पोल से R/2 डिस्टेंस पे होगा, तो ये C1 है ना का मिड पॉइंट F1 मानते हैं और C2 का मिड पॉइंट F2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो रेडाई ऑफ कर्वेचर तो दो फोकस भी होंगे, ये लिखा है टू फोकस, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इस R1/2 पे F1 होगा और R2/2 पे F2 होगा, तो आपके दो प्रिंसिपल फोकस होंगे। अब कौन सा फर्स्ट फोकस लेना है कौन सा सेकेंड फोकस लेना है उसका भी एक डेफिनेशन है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे समझाया गया है, जैसे मिरर में बोला जाता था अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखते हैं तो आफ्टर है ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर वो रेज पैरेलल टू लेट से एक्सिस पास होती है, कुछ वैसा ही लेंस में भी है। अगर आप कन्वेक्स लेंस में आपने किसी है ना उस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से जो भी रे निकलेगी वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर कोई रे इस पॉइंट पे आते हुए दिख रही है तो वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई रे एक्चुअली ओरिजिनेट होती है इस पॉइंट से, ठीक है, एक्चुअली डाइवर्ज होती है इस पॉइंट से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस
from convex lens they become parallel to the axis, or in case of concave lens, ठीक है, अगर कोई rays converge होना चाहती है focus पे, ठीक है, तो after refraction from lens they become parallel to principal axis of the lens. तो क्या लिखा है, it is a point on the principal axis of the lens. तो दोनों focus principal axis पे लाए करेंगे. The rays starting from this point in convex lens. तो convex lens पे तो इस point से start हो रही है और concave lens में इस point की तरफ directed है. और the rays directed to this point in concave lens. Concave lens पे उस point पे जो rays directed है become parallel to principal axis after refraction. तो after refraction वो rays parallel to principal axis हो जाती है. तो उस point को हम define कर रहे हैं students principal focus. F1 से डिनोट करते हुए. तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे. तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कुछ ऐसे बोला गया है, आफ्टर, है ना, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस दे एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, और इन केस ऑफ कंकेव लेंस after coming parallel to principal axis and refraction from the lens they appear to diverge from this second principal focus. Now it is a point on the principal axis at which the rays coming parallel to principal axis, piche mein kya tha, us point pe se rays nikal rahi thi, yahan pe rays parallel to principal axis aa rahi hai, they converge in case of convex lens or passing through it, theek hai, appear to diverge in case of concave lens. Convex lens में तो actually converge करेगी और diverge, ना, appear to diverge in case of concave lens. या actual diverge नहीं करेगी, लगेगा कि diverge कर रही. तो convex lens में मेरी parallel to axis जो rays है वो actually converge करेगी focus point पे, second principal focus जिसे कहा जा रहा है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये focus कैसा focus आपका, real focus, क्या, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है आपका रिफ्रैक्टेड रेज का. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रे लेंस वो अपीयर होगी डाइवर्ज होते हुए, मतलब यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रिफ्रैक्टेड रेज का, उन्हें इंटरसेक्ट कराने के लिए आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस कर रही है, मतलब एक ऐसा फोकस है वर्चुअल फोकस. तो आप चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में भी देखेंगे वहां पे अपीयर हो रहे थे कन्वर्ज होते हुए कनकेव लेंस में. तो कनकेव लेंस में दोनों फोकस, चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो या सेकंड प्रिंसिपल फोकस, आपके वर्चुअल होंगे. और कन्वेक्स लेंस में आपके दोनों प्रिंसिपल फोकस, चाहे फर्स्ट या सेकंड, वो आपके रियल होंगे. तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं बोथ द फोकाई ऑफ कन्वेक्स लेंस आर रियल व्हाइल दैट ऑफ कनकेव लेंस आर वर्चुअल. तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, वो है हमारा अपर्चर और रिफ्रैक्टिव एक्सिस. तो अपर्चर को कैसे डिफाइन किया है, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस. उस जो आपका लेंस है स्फेरिकल लेंस उसका इफेक्टिव जो डायमीटर है ना, क्योंकि एक लाइन जैसा नहीं होगा, ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस होगा, तो उसका इफेक्टिव जो डायमीटर है उस डायमीटर को अपर्चर कहते हैं. या फिर सिंपल बोल सकता हूँ जो रिफ्रैक्टिंग पोर्शन है जिसमें लाइट इंसिडेंट होगी उसका जो डायमीटर या लेंथ जो कहोगे वो आपका अपर्चर करके कहलाता है. नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टिव एक्सिस. तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस रही और जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर उस लाइन को हम नाम दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव एक्सिस. तो यहाँ लिखा है इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस एट द ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द लेंस. ठीक है, लेंस का जो लेंथ रिप्रेजेंट करेगी कितना लंबा है लेंस. ठीक है, तो जो भी लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और ऑप्टिकल सेंटर से पास करे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव एक्सिस से. तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेंस का डिस्क्रिप्शन और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज. होप आपको ये पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं. आज के लिए सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को
और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल फ्री है।